ठीक है, यानी आज जो टॉपिक हम यूज करेंगे, जिसके बारे में हम लर्न करेंगे, वो टॉपिक है आपका व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये है आपके टॉपिक का नाम, व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका है, एक्सेल में इसको कैसे परफॉर्म किया, तो आप वन बाय वन देखें और करें। सबसे पहले डाटा पर हमने क्लिक किया और व्हाट इफ एनालिसिस में देखा हमने सिनेरियो मैनेजर, आई रिपीट सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का क्या काम है वो देखते हैं। एक डाटा बना रहा हूं मैं आपके पास। तो हमारा जो रेगुलर चल रहा था रेंट, जो हमारे पास ये डाटा आ रहा है हमारा, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि रेंट 500 हम रेगुलर पोजीशन पे यूज कर रहे थे, रो मटेरियल 1200 का कर रहे थे, लेबर 800 की, डायरेक्ट एक्सपेंस 20 के थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 40 के थे। अगर मैं इनको टोटल करूं, टोटल, तो इनका जो टोटल आ रहा था मेरे पास, अगर मैं रेगुलर वर्क कर रहा था तो टोटल आ रहा था 2560। ठीक है, ये मेरा टोटल आ रहा था 2560। अब बात आ रही है कि लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, उसमें काम किस टाइप से होगा। हो सकता है कि हमें ओवरटाइम वगैरह लगाना पड़े तो हमारा कितना खर्चा होगा, हो सकता है कि हमें रूटीन में बुलाना पड़े, यानी एक दिन ऑन रहेगा, दूसरे दिन बंद रहेगा, तीसरे दिन फिर ऑन रहेगा, उसमें क्या हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये सारा देखते हुए हम सिनेरियो मैनेजर को यूज करेंगे इन एक्सेल। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले आप टोटल वाली सेल पर क्लिक करें, डाटा पर क्लिक करें, व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, सिनेरियो मैनेजर का ऑप्शन आएगा। आपने सिनेरियो मैनेजर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड करें, ठीक है, ऐड करने के साथ सिनेरियो नेम, तो पहले आपने लिखा मैक्सिमम, यानी हमारे यहां काम होगा डबल शिफ्ट, ठीक है। अब क्या है, चेंजिंग सेल, तो कौन कौन सी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ये आपकी सेल्स है जो कि B5 से शुरू होती है और B9 तक आती है, जिसमें रेंट, रो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा होगा, देन ओके, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आप देखिए, रेंट अगर हम रात भर काम करें तो ज्यादा से ज्यादा 600 चार्ज हो सकता है, ठीक है। रो मटेरियल हमारा डबल हो जाएगा 2400 रुपए, ठीक है। लेबर भी हमारी डबल हो जाएगी, 1600 रुपए की हो जाएगी लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है हमारे 20 की जगह 50 हो जाए, और जो और एक्सपेंसेस हैं जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि 20 की जगह 50 हुए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है हमारे 100, ठीक है। इसके बाद आपने जब ये डाटा पूरा पूरा फिल कर लिया तो आपने ओके नहीं करना, अभी ओके नहीं करना, आपने इस पे ऐड करना, क्योंकि अभी हमने मिनिमम की वैल्यू भी डालनी। मैंने क्लिक किया, अब आप मिनिमम डालोगे, यानी अगर आप बात करो तो इस पोजीशन पर आपको मिनिमम डालना है, सेल आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो करके देखते हैं, यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर डाला मिनिमम, ठीक है, B5 से B9, देन ओके। यानी अगर लॉकडाउन पीरियड लगा, हमें बोला गया कि आपने रोटेशन में आना, यानी एक दिन काम होगा, मंडे काम होगा, ट्यूसडे छुट्टी रहेगी, वेडनेसडे काम होगा, थर्सडे छुट्टी रहेगी, फिर फ्राइडे काम होगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा। तो रेंट कितना है हमारा, 500 है, रेंट सेम ही रहेगा, रेंट तो कम हो नहीं सकता। रो मटेरियल जरूर हमारा जो खपत है रो मटेरियल की, हो सकता है 400, ठीक है। लेबर, लेबर को भी हम सैलरी कम देंगे तो हो सकता है हमें उसको जो सैलरी देनी पड़े वो 300 देनी पड़े। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कम हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं,
इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हमारे कम हो सकते हैं, देन ओके, और चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर और चीजें भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि आपने सिर्फ ऐड पर क्लिक करना, अगर आपने मैक्सिमम या मिनिमम में से किसी को डिलीट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते, अगर कुछ एडिट करना है तो ये वाला, दोनों को मर्ज करना है तो ये वाला। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें इनकी समरी चेक करनी है, यानी रिपोर्टिंग चेक करनी है, रिपोर्ट देखनी, जो कि एक्सेल का पर्पज है, ठीक है। यहां पर मैंने समरी पर क्लिक किया, समरी पर क्लिक करने के बाद वो पूछेगा रिजल्ट सेल बताओ कौन सी, तो रिजल्ट सेल कौन सी हमारी, ये वाली, ठीक है, जो कि बीट है, बाय डिफॉल्ट ये पिक भी कर लेता है। साथ में ये क्या कर रहा है कि सिनेरियो समरी देनी है या सिनेरियो पिवट रिपोर्ट देनी है, तो अभी हम इसको क्रॉस करते हैं, हमें सिनेरियो समरी देनी है, तो मैं क्लिक कर देता हूं, देन ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने ओके किया, ये आपकी रिपोर्टिंग आ गई, यानी आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम मिनिमम सॉरी करंट वैल्यू है वो क्या है, अगर हम मैक्सिमम वर्क करते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो 4750 रुपए आएगा, अगर मिनिमम काम कर रहे हैं तो ये आएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये वाला स्लैब बन रहा है हमारा और मिनिमम ये वाला बन रहा है, ठीक है, ठीक है। या फिर जो करंट पोजीशन है वो है, ये है रिपोर्ट, यानी इसको बोलते हैं हम सिनेरियो मैनेजर कंप्लीट। ये था आपका सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। तो सिनेरियो मैनेजर को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल सिक, ठीक है। अब गोल सिक क्या है हमारा, तो गोल सिक को देखते हैं, गोल सिक के लिए डाटा तैयार करते हैं। देखिए मैंने ये कुछ डाटा बनाया है जिसमें एम्प्लॉय नेम्स हैं, सेल्स है, और मैं इनका टोटल निकाल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल सेल्स, सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऑटो सम पर जाकर क्लिक किया तो 351 की सेल्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या था, टारगेट था हमारा कि हमें 400, आई रिपीट 400 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट था कि मुझे 400 टास्क कंप्लीट करने हैं। अब मुझे इस टाइप से दिखाना है कि ये जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, बट एक डिफरेंट पोजीशन की कितना मेरे पास इस टारगेट में कमी है वो अमाउंट चेक करने, उस अमाउंट को चेक करने के लिए मैं एक सेल ले लेता हूं, ठीक है। यहां मैं एक लिख देता हूं ब्लैंक या फिर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ठीक है, REQ डाल दिया मैंने कि रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना माइनस हो रहा है ये इस टारगेट को छूने, भाई मेरा टारगेट ये था, मैंने अचीव कितना किया, इतना, ठीक है। अब कम कितना पड़ रहा है वो यहां दिखाओ इस सेल के अंदर, उसको दिखाने के लिए क्या करोगे आप, अगेन डाटा पर क्लिक करोगे, वर्टिकल एनालिसिस पर क्लिक करोगे, देन गोल सिक, आई रिपीट गोल सिक पर क्लिक करोगे, क्लिक किया आपने गोल सिक पर, क्लिक करने के बाद पहला आया है इस सेट सेल, सेल कौन सी आपकी, वो है ये वाली। सर आप अपनी थोड़ी स्क्रीन जूम करेंगे, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल सा पैटर्न यूज करना है कि आपने वर्टिकल एनालिसिस पर क्लिक किया, गोल सिक पर क्लिक किया, गोल सिक पर क्लिक करने के बाद सेट सेल आ रहा है, तो सेट सेल कौन सी हमारी, ये वाली, ठीक है, टारगेट वाली, उसको सिलेक्ट कर लें। फिर आ रहा है टू वैल्यू, कितनी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए मुझे 400, ठीक है, मैंने 400 डाल दिया। अब कह रहा है बाय चेंजिंग सेल, कौन सी सेल को चेंज करना है आपने, तो यहां पर मैंने ये जो मेरी ब्लैंक सेल है मैंने इसको ले लिया, भले ही इसमें आप जीरो लिखे, ठीक है, मैंने इसको ले लिया, देन ओके कर दिया, देन ओके, ठीक है।
कह रहा है सेल मस्ट कंटेन ए फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहां पर एक फॉर्मूला होना चाहिए। अच्छा, यहां पर जो रेंज थी मेरी सेट सेल की, मैंने जो रेंज सिलेक्ट की है वो कितनी है, वो 351 है। आई रिपीट, 351 है मेरी सेल की, ठीक है। तो मुझे यहां पर इस सेल को देना, तो मैंने क्लिक किया, देन इसको क्लिक किया, इसमें बाय चेंजिंग सेल वाला कौन सा लगेगा? क्या पूछ रहे हो आप? बाय चेंजिंग, वो मैं जो ये मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ, फिर से एक बार ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, आप कंप्लीटली ध्यान दो, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज देख ले एक बार।